जैसे कि जब से फिल्म की शुरुआत हुई थी तभी से इनिशियल स्टेज पर फिल्म का प्रमोशन हो रहा था कि हमको उम्मीद थी कि जिस फिल्म में अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो, एक्शन से भरपूर फिल्म होगी। वाकई में ट्रेलर देखने के बाद भरपूर एक्शन देखने को मिला, बहुत ही उम्दा एक्शन देखने को मिला। एक ही फ्रेम में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को एक्शन देखने का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही वंडरफुल था। मैं कहूँगा कि ये फिल्म का हर किसी को इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से। अब जबकि ईद का मौका है, ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो दर्शक बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कहूँगा फिल्म का एक्शन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आप फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं? ओहो, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को एक साथ स्क्रीन पर देखना मेरे को लगता है ऑडियंस के लिए बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। और इसी के साथ साथ पृथ्वीराज कुमार भी इसमें हैं, उनके बारे में क्या कहना है? पृथ्वीराज कुमार भी हैं, उनका जो रोल है उसको भी बहुत लोग पसंद करेंगे। फिल्म को बेसब्री से सभी को इंतज़ार है। तो क्या लगता है इस फिल्म के साथ बैरन फिल्म भी रिलीज होने वाली अजय देवगन की, तो क्या लगता है फिल्म उस पर भारी पड़ सकती है? मैं बोलूँ दोनों ही अलग जॉनर की फिल्म है, मैदान को भी हम कम नहीं आंक सकते। अजय देवगन की फिल्म भी सफल होगी और ये फिल्म जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ ये भी सफल होगी। क्या रेटिंग देंगे पाँच में? पाँच में से मैं चार रेटिंग ट्रेलर को देना चाहूँगा। थैंक यू। ट्रेलर मतलब मुझे इतना कुछ अच्छा लगा नहीं, मतलब मुझे स्ट्रिक्टली एवरेज लगा अगर मैं कहूँ तो। मतलब अली अब्बास जिस हिसाब से अपने हीरोज़ को प्रेजेंट करते हैं, ख़ास तौर के सलमान खान को, आप टाइगर जिंदा है का ट्रेलर देख लीजिए या सुल्तान का देख लीजिए या फिल्म को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने सलमान को एक प्रॉपर फैन बॉय की तरह प्रेजेंट किया है। कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आमिर और एसआरके का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनको किस हिसाब से प्रेजेंट करूँगा कि हर चीज़ों मतलब एक रोलर कोस्टर की तरह कि अपने हीरो के लिए एक विन विन सिचुएशन डाल दिया। और जैसा आप चाहो एज अ फैन आपके एक्टर को देखना बिल्कुल उसी तरह करो। लेकिन ये फिल्म भी जो है इसका जो टीज़र था वो मुझे ठीक ठाक लगा था। गाने तो मतलब मुझे इतने कुछ पसंद आया नहीं और गानों ने लिटरली पूरा बस भी ख़त्म कर दिया फिल्म का। लेकिन जो ट्रेलर भी मतलब जितना सोचा था उस लेवल का है नहीं। अली अब्बास जो है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो देसी एक देसी मसाला देसी तड़का जो डालना रहता है, जो सुल्तान, टाइगर जिंदा है, गुंडे बोलो, मेरे ब्रदर की दुल्हन बोलो, इन सब में दिखता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो स्टाइलिश जोन में जो जा रहे हैं और थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैश्ड अप लग रही है चीज़ों को। लेकिन हाँ, एक अगर मैं इस फिल्म को अगर असल में देखना चाहूँगा तो आई विल वॉच इट फॉर वन मैन एंड दैट इज़ पृथ्वीराज सुकुमारन, क्योंकि उनके फिल्मों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी मैंने मलयालम फिल्म्स भी काफ़ी सारी देखी है, तो पृथ्वीराज सुकुमारन एक प्रॉपर सरप्राइज़ रहेगा किसी के लिए भी। जो हिंदी ऑडियंस उन्हें नहीं भी जानती है वो इस फिल्म के बाद उन्हें जानने लगे कि वो किस तरह के एक्टर है, क्या कर सकते हैं। वेरेज अक्षय और टाइगर मतलब एक अच्छी कास्टिंग है कि आप फिल्मों में देखते हो तो हमको एक्शन कैसे के फोर्स लगता है या इतना रियल नहीं लगता है। लेकिन ये दोनों जो है जैसा क्रैक भले फिल्म कैसे भी हो, लेकिन विद्युत ने मतलब वो फिल्म में अपने एक्शन से थोड़ी जान ला दी। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये दोनों जो एक्शन स्टार वाली जो इमेज बनाई है अक्षय और टाइगर ने, वो मतलब लोगों को मतलब काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन बाकी खैर तो मतलब ट्रेलर से मतलब मुझे इतना थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि फिल्म मतलब अच्छी निकले। देखिए मैं ट्रेलर को ऐसे रेट नहीं करता हूँ क्योंकि ट्रेलर के बेसिस आप ढाई तीन मिनट के बेसिस पे पूरी दो ढाई घंटे की फिल्म को आप नहीं कर सकते हो। तो मैं वही कहूँगा, आप रिव्यू के वक्त मुझे मिलिए तभी मैं आपसे बताऊँगा कैसी लगी। थैंक यू सर। ये ट्रेलर नहीं है, ये प्रलय है। प्रलय जो रियल एक्शन होता है ना वो ये है। ये पठान, जवान, ये टाइगर, ये सब फेंक है। जो खिलाड़ी में एक्शन थी ना सेम यही है। और मेन बात है इसकी आलिया अब्बास जौहर, और मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनकी एक्शन है ना हॉलीवुड भी कम है उनके सामने से, रियलिस्ट एक्शन है। और ये प्रलय जो है ना, ये प्रलय सबकी वाट लगाने वाला है। रही बात स्टारकास्ट की, तो अक्षय सर जो खिलाड़ी है, ये बागी है, गुरु चेले है। सस्पेंस ये भी रहे कि ये एक साथ है या एक दूसरे के खिलाफ है। सस्पेंस ये भी है कि पृथ्वीराज के अलावा कोई और विलन है या नहीं। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये भी है कि ये फिल्म आप देखेंगे या नहीं। आप ज़रूर देखिए, इस बार ईद अक्षय सर के साथ मनाइए, क्योंकि रियल एक्शन के साथ ही, रियल किंग के साथ ही रियल वाली ईद आप मनाइए। और ये जो फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसके लिए मैं सबके तरफ से ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और जय हिंद जय भारत। ट्रेलर में एक्शन किस तरीके से लग रहा है? देखिए एक्शन जो है ना वो पूरे प्योर रियलिस्टिक लग रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा।
और मुझे पूरा विश्वास है आलिया मुजफ्फर पर, सर पर पूरा विश्वास है, टाइगर सर और अक्षय सर पर डेफिनेटली, कि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है रियल एक्शन की। और ये एक्शन जो है, मैं तो चाहता हूँ इसको स्पेशल एक्शन के लिए इसको कुछ ना कुछ तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए, एक्चुअली नेशनल अवार्ड भी मिलना ही चाहिए, जैसे कबीर सर को मिला था काबुल एक्सप्रेस के वक्त पे, जो कबीर सर आलिया भट्ट सर के गुरु भी है, तो इस एक्शन इस मूवी को भी मिलना ही चाहिए एटलीस्ट एक्शन के लिए, क्योंकि इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है, सब रियल एक्शन ही। सर इसको ना 5+ ही मिलना चाहिए डेफिनेटली सर। ट्रेलर वॉज वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक, एंड अभी से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्लॉकबस्टर। सो यस यस, एक्शन वॉज सुपर्ब, नेक्स्ट लेवल था सब कुछ, सो जस्ट एक्साइटेड। जोड़ी बहुत अच्छी है, ड्रीम जोड़ी, वी वुड ऑलवेज ड्रीम टू सी लाइक द बिगेस्ट खिलाड़ी एंड बागी टुगेदर, सो थैंक यू। यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइसली मैच, मतलब हाँ उनके साथ अच्छे लग रहे हैं हीरोइंस, लाइक विद टाइगर अलाया इज लुकिंग वेरी गुड, मतलब उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और अक्षय के साथ मानुषी ऑफ कोर्स शी इज अ सुपरस्टार। पृथ्वीराज का काम बहुत ही अच्छा लगा, मतलब जो प्रलय का जो रोल है वो हम जब मूवी देखेंगे तब हमें अच्छे से मालूम पड़ेगा व्हाट इज दैट एग्जैक्टली। यस यस, इट विल बी अ वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर। व्हाइल वॉचिंग द ट्रेलर इट वॉज द टाइगर्स एंट्री, बिकॉज आई एम अ टाइगर फैन एंड टुडे फर्स्ट टाइम आई गॉट टू सी टाइगर, सो थैंक यू सो मच टाइगर। आउट ऑफ 5 वुड यू लाइक टू गिव 10?